हेलो एवरीबॉडी, ये है क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, 7th 8th में भी, और अभी हम थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रीवियस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हमने फिजिक मैटर की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इटीसी आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हम किन गुणों को किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना, और जो कि बिल्कुल स्पेसिफाइड होती है, निश्चित होती है, निर्धारित होती हैं, जैसे कि उसका कलर, उसकी हार्डनेस, कठोरता, रिजिडिटी, फ्लूडिटी, है ना, वह बह सकता है या नहीं बह सकता है, डेंसिटी, उसका घनत्व तो कितना है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यह सब क्या है, किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज। और यदि कोई मैटर अपनी स्टेट्स में चेंज करता है, इंटर कन्वर्जन करता है, जैसे कि हमारा आइस है, वाटर की सॉलिड फॉर्म है, यदि वह लिक्विड वाटर में बदलता है तो वहाँ पर वह अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, और यह हम क्या कहेंगे, एक फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। बिकॉज दिस चेंजेस अकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सबस्टेंसेज, क्योंकि इस चेंज में उसकी कंपोजिशन में, वाटर की कंपोजिशन में कोई यहाँ पर चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमारा वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, है ना। तो यदि वह आइस में बदल जाएगा तब भी H2O रहेगा, और यदि वाटर लिक्विड में बदलेगा या गैसियस स्टेट में बदलेगा तब भी उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा, उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। और यदि कंपोजिशन चेंज नहीं होती है तो उसके केमिकल नेचर में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑल्दो आइस वाटर एंड वाटर वेपर आर लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर केमिकली द सेम। तो यहाँ पर वाटर की तीनों फॉर्म दे रखी हैं, आइस वाटर एंड वाटर वेपर, है ना, बर्फ, जल और जलवाष्प, ये सब वाटर की तीन स्टेट्स हैं, और ये दिखने में बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देती हैं फिजिकली, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन ये, है ना, एंड दे डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, वे अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग प्रदर्शित करती हैं, बट दे आर केमिकली सेम, लेकिन रासायनिक रूप से वह बिल्कुल सेम है, क्योंकि उन सबका फॉर्मूला क्या है, H2O, केमिकली दे आर H2O। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। अब हम वाटर और कुकिंग ऑयल की बात करते हैं। एक वाटर तो हमारा जल है ही सही, और कुकिंग ऑयल मतलब हमारा खाना बनाने का जो तेल होता है, खाने का तेल, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये दोनों कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं, लेकिन इनके जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट है ना। वाटर और कुकिंग ऑयल की फिजिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम है ना, दोनों दिखने में लिक्विड हैं और दोनों तरल हैं, वे बह सकते हैं, तो इस तरह से, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल कैरेक्टर्स हैं, वो क्या हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। दे डिफर इन ऑर्डर एंड इनफ्लेमेबिलिटी, उनकी जो ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब गंध, और इनफ्लेमेबिलिटी ज्वलनशीलता, दोनों अलग अलग हैं, है ना। वाटर में कोई खुशबू नहीं आती है, इट इज़ ऑर्डरलेस, बट ऑयल हैव सम स्मेल। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। हमें पता है कि जो हमारा ऑयल होता है वह जलता है, वायु की उपस्थिति में जल सकता है, हम दीपक वगैरह लगाते हैं ऑयल के, है ना, तो वह क्या होता है, ऑयल हमारा जलता है, लेकिन वाटर क्या करता है, वह आग को बुझाता है, एक्सटिंग्विश कर देता है। इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक इज डिफरेंस फ्रॉम वाटर। तो ये ऑयल की केमिकल प्रॉपर्टी है, उसकी रासायनिक गुण है, जिसके कारण वह वाटर से हमें भिन्न दिखाई देता है, या उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, और यहाँ पर जलना, बर्निंग करना क्या है, एक केमिकल चेंज है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। और इस प्रोसेस के दौरान, जलने के दौरान, एक पदार्थ क्या करता है, रिएक्ट करता है दूसरे पदार्थ के साथ, और उनमें क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाता है, तो इसे हम केमिकल चेंज कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंज ब्रिंग
चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंसेस। तो केमिकल चेंज होने से कोई भी पदार्थ की केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक जो गुण होते हैं उनमें परिवर्तन होता है और हमें एक नया पदार्थ देखने को मिलता है ना। जैसे हमारा हमने लकड़ी लिया, ठीक है, लकड़ी को जलाया, तो लकड़ी जलने के बाद किस में बदल जाती है, वह राख में बदल जाती है। लकड़ी कैसे जली, वह एयर से रिएक्शन करती है और जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हमारा जो नया पदार्थ बना वो क्या था, राख। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक केमिकल चेंज हुआ। तो आप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर स्पष्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। फिजिकल चेंज में क्या होता है, उसकी अवस्था परिवर्तित हो सकती है, कलर परिवर्तित हो सकता है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। लेकिन केमिकल चेंज में किसी भी पदार्थ की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है, ठीक। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है इसको, क्योंकि एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी केमिकल चेंज होता है तो हम उसको केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। कहीं भी किसी भी जगह यदि आपको केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो हम केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वेयर एनी वेयर देयर इज अ केमिकल चेंज देयर इज अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज ही है। और केमिकल रिएक्शन के बारे में आप 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं, बहुत आपके फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हैं, तो अभी से आप इन चीज़ों को अच्छे से समझना सीखें। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। जब कैंडल जलती है, कैंडल मोमबत्ती, तो उसमें बहुत फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। तो हमें वहाँ पर फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों देखने को मिलते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश दिस, यस, हम इनको आसानी से अंतर कर सकते हैं। फिजिकल चेंज क्या है कि मोमबत्ती की जो आकार है, आकृति है, वह कम हो रही है, वह ठोस अवस्था में होता है और गर्म होने के कारण मोम पिघलता है। तो पिघलना तो एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि जब हम उसको वापस जमा देंगे तो वापस सॉलिड उसकी मोमबत्ती बन सकती है। लेकिन जब वह जल जाता है ना, मोम जब जल जाता है उस कैंडल का, तो उसके बाद वह हमें वापस नहीं मिलता है, वह वेपर में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो वहाँ पर फिजिकल और केमिकल दोनों प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं। और यहाँ पर आ जाते हैं हमारे कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन, जिनको मैं एक अलग ही वीडियो बना रहा हूँ, आई बटन में उनको देख सकते हैं। वाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि प्योर सब्सटेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, या प्योर सब्सटेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो किसी भी मैटर की केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, उसके रासायनिक संगठन के आधार पर, वह किन किन तत्वों से मिलकर बना है, इस आधार पर हम उनको एलिमेंट और कंपाउंड में डिफाइंड कर सकते हैं या क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे हमने बात की अभी वाटर की, तो वाटर हमारा होता है H2O, ठीक। अब वाटर के अंदर कितने तरह के एलिमेंट हैं, तो इसमें दो तरह के एलिमेंट हैं, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। तो क्या इसको हम प्योर कंपाउंड या प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं, नहीं, यह तो मिक्सचर है, दो तरह के एलिमेंट्स का मिक्सचर है। तो यहाँ पर हम कह पाएंगे कि इसमें जो एलिमेंट्स है वह कौन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, और ये कंपाउंड बनाते हैं दोनों मिलकर, जिसे हम वाटर कहते हैं। तो आपको एलिमेंट और कंपाउंड में भी अंतर करना आना चाहिए, ठीक। तो एलिमेंट्स का अर्थ होता है तत्व और कंपाउंड का अर्थ होता है यौगिक। एलिमेंट्स के मिलने से ही कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट एलिमेंट्स। रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द टर्म एलिमेंट इन 1661। सबसे पहले एलिमेंट जो टर्म है इसको यूज किसने किया था, रॉबर्ट बॉयल ने यूज किया था। एंटोनी ड्योरेंट लेवोजियर अ फ्रेंच केमिस्ट वाज द फर्स्ट टू एस्टाब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो इसके बाद एक फ्रेंच केमिस्ट था जिसका नाम था एंटोनी ड्योरेंट लेवोजियर, है ना। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एलिमेंट को डिफाइन किया था, है ना। रॉबर्ट बॉयल ने तो क्या सिर्फ एलिमेंट का टर्म दिया था कि एलिमेंट तत्व कोई ऐसी चीज़ होती है, ऐसा इन्होंने बताया। लेकिन जो लेवोजियर था, इन्होंने इसको डिफाइन किया, इसके बारे में और अच्छे से बताया, एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंसेज बाई केमिकल रिएक्शंस। तो उन्होंने बताया कि कोई भी मैटर होता है तो उसकी जो सबसे सिंप्लीफाइड और बेसिक फॉर्म होती है, बेसिक यूनिट होती है, वह क्या होती है, एलिमेंट होती है, और हम उसको और नए
सिंपलर सबस्टेंस में तोड़ नहीं सकते, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंट्स को आप समझ पा रहे होंगे, हम वापस समझ लेते हैं। H2O का हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, H2O को हम तोड़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, है ना। तो हमें जो हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन हमारे लिए एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक अलग एलिमेंट है। लेकिन क्या हम हाइड्रोजन को तोड़ सकते हैं, क्या हम इसके और दूसरे एलिमेंट प्राप्त कर सकते हैं, तो वह नहीं, है ना। तो हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है। इस तरह के हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है जो हमारी पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं, उनको भी हम स्टडी करने वाले हैं। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इन टू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें अच्छे से मेटल्स को, एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में डिवाइड करके दिखाया गया है। मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मेटल्स, है ना, तो हम यहाँ पर पहले मेटल के बारे में जान लेते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, आप समझ पा रहे हैं ना। तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हमने तीन भागों में डिवाइड किया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स, धातु, अधातु और उपधातु। तो इनमें से सबसे पहले हम मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। दे हैव अ लस्टर। मेटल्स में क्या होती है, लस्टर होती है, शाइन होती है। ये हमारे क्लास 8th में भी आया था, लस्टर मतलब शाइन, चमक। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। उनमें क्या होती है, एक सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर उनका होता है, मतलब उनमें थोड़ी चमक होती है, और जैसे चांदी होती है हमारी वाइट या गोल्डन पीले कलर की, येलो कलर की, ऐसी मेटल के सरफेस होती है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और सभी मेटल्स क्या कर सकते हैं, ऊष्मा का और विद्युत का चालन कर सकते हैं। दे आर डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स। वे कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं, तन्य होते हैं, और उनको वायर में हम खींच सकते हैं, उनके लंबे लंबे वायर बना सकते हैं। दे आर मेलिएबल, मेलिएबल मतलब आघात वर्ण, और इनको यदि हम हथौड़े से हेमर्ड करेंगे तो यह पतली सीट में बदल जाएंगे, जो चद्दर वगैरह बनते हैं धातुओं के। तो ये उनकी प्रॉपर्टी होती है कि दे आर मेलिएबल, हम लकड़ी की चद्दर नहीं बना सकते उसको पीट कर, क्योंकि वो मेटल नहीं है। दे आर सोनोरस, सोनोरस मतलब साउंड उत्पन्न करने की क्षमता, ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता। तो मेटल कैसे होते हैं, सोनोरस, मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हीट। जब मेटल को बजाया जाता है या उस पर किसी हार्ड वस्तु से स्ट्राइक किया जाता है तो उसमें से साउंड उत्पन्न होता है, ऐसा नॉन मेटल्स में नहीं होता है। तो ये कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, आप ध्यान रखें हमेशा, लस्टर, दे आर लस्टरिया, सिल्वरी ग्रे, गोल्डन येलो कलर, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर डक्टाइल, मेलेबल एंड सोनोरस, है ना। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, सिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स की, जिन्हें हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल या मेटल्स। तो 10th क्लास में भी हमारे आने वाले हैं, हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर है, उसमें आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी आप मेटल्स की पढ़ोगे, उनकी जो डिफरेंट रिएक्शंस होती है वह भी पढ़ोगे। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी जो केमिस्ट्री होती है, रसायन शास्त्र, उसका आपने जो है फर्स्ट चैप्टर शुरू कर दिया है। आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो आपको फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, यदि आप इन चीज़ों को अभी थोड़ा समझ कर चलेंगे। 9th क्लास में आपके सभी जो हायर स्टैंडर्ड की साइंस होती है उसका बेसिक सब 9th क्लास में ही होता है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ते हुए और समझते हुए चलें। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ETC। हमारे पास मेटल के कई एग्जाम्पल होते हैं, जैसे गोल्ड होती है सोना, सिल्वर, चांदी, कॉपर यानी तांबा, आयरन, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, है ना। मरकरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिया गया है, अपवाद, मरकरी। मरकरी मतलब पारा, और ये ऐसी धातु है जो कि हमारे सामान्य तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। बाकी सभी मेटल कैसी होती हैं, सॉलिड फॉर्म में होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन केवल एक ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे एलिमेंट को किसने टर्म दिया, एलिमेंट को किसने परिभाषित किया, तो आप इनको याद करके रखें, नोट करके रखें, क्योंकि हमारे जो STSE और NTSE के एग्ज़ाम होते हैं, जो आप 9th क्लास में, 10th क्लास में देते हैं, उसके लिए इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन हम नॉन मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दिखाई गई हैं जो
वे या तो कुछ या सारी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। नॉन मेटल्स मतलब अधातुएं। दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर्स। वे क्या शो करते हैं? बहुत सारे कलर्स शो करते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं या कुचालक होते हैं। दे आर नॉट लस्टीरियस। वे लस्टीरियस नहीं होते, उनमें चमक नहीं होती, वे सोनोरस नहीं होते और मेलिएबल भी नहीं होते, है ना। वे ध्वनि भी उत्पन्न नहीं करते और उनको हम सीट में भी नहीं बदल सकते। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कॉल, कॉक, ब्रोमीन, क्लोरीन, ईटीसी, है ना। तुम्हारे नॉन मेटल्स गैसों के रूप में भी होते हैं, है ना, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आयोडीन ठोस रूप में होता है, कार्बन, कॉल और कॉक ये हमारे ठोस रूप में होते हैं, ब्रोमीन हमारे लिक्विड फॉर्म में होती है, ब्रोमीन ना वैसे गैस के रूप में भी होती है और लिक्विड फॉर्म में भी होती है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए यह रूम टेम्परेचर पर जनरली गैस की फॉर्म में होती है। क्लोरीन, क्लोरीन भी हमारी गैस है। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं हमारे पास जिनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट होती है, मतलब वह नॉन मेटल और मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं मेटलॉइड्स। दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। इनको हम उपधातु कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ईटीसी। और इनके हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन है? बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। इनको मैं अभी आपको पीरियोडिक टेबल में अच्छे से समझा देता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स दी गई है और इसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में टोटल चार ब्लॉक्स होते हैं। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप्स में हमारे एस ब्लॉक्स कहा जाता है। बीच में जो हमारे एक लंबी लाइन्स होती है 10 एलिमेंट्स की, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और इधर के जो लास्ट हमारे 6 ग्रुप्स हैं, इनको हम कहते हैं पी ब्लॉक। इसके अलावा नीचे दो और लाइंस दी गई होती हैं जिन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये दोनों लाइंस हमारी लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स की होती है जिन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में तो हम 10th क्लास में पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन अभी आप कुछ नॉर्मल चीज़ें होती हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, उनको ज़रूर पढ़ लें अच्छे से। तो जैसे कि ये आपको लंबी जो रोज दिखाई दे रही हैं, है ना, इनको हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं, ग्रुप्स। और टोटल ग्रुप कितने होते हैं हमारे? 1 to 18। टोटल ग्रुप्स की संख्या होती है 18। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल रोज होती है ना, इधर से 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इस तरह से जो हमारी रोज चलती है हॉरिजॉन्टली, इनको हम कहते हैं पीरियड्स। ठीक है, क्या कहते हैं? पीरियड्स। और ये पीरियड्स टोटल कितने होते हैं? ये होते हैं टोटल 7। ठीक है, तो ये टोटल 7 पीरियड होते हैं और टोटल 18 ग्रुप्स हमारे पीरियडिक टेबल में होते हैं। और अब हम बात करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स की। तो हमारे जो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ना, ये सभी हमारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। ठीक है, इनमें जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं वे सब क्या होते हैं? मेटल्स, सिवाय हाइड्रोजन के, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है और नॉन मेटल है, और इसकी पोजिशन जो है एनामोलस है, मतलब ये कोई फिक्स इसकी जगह पर नहीं रखा गया है, इसको हम आवारा एलिमेंट भी कहते हैं। फिर आते हैं हमारे नॉन मेटल्स, है ना। नॉन मेटल्स हमारे यहाँ से आप देख सकते हो पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स भी है, है ना, कुछ मेटल्स भी हैं। ये जो एल्यूमिनियम है ना, इधर इधर जो ग्रीन में दिखाए गए हैं, ये हमारे मेटल्स में ही आएंगे, इधर मेटल्स के साथ ही आएंगे। लेकिन इधर ये जो लाइन है ना, इससे लेकर इधर इतने, ये सब हमारे क्या आएंगे? नॉन मेटल्स में आएंगे। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, ज़ेनोन, रेडोन, ये सब क्या है हमारे? नॉन मेटल्स है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेटल्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और नॉन मेटल्स की संख्या हमारे पास बहुत कम है। और तीसरा जो ग्रुप आता है हमारे पास मेटेलॉइड्स का, है ना, मेटेलॉइड्स, वो मेटेलॉइड्स का होते हैं हमारे इस ग्रुप में होते हैं। ये जो सीढ़ी नुमा यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, पोलोनियम, है ना, इधर से टेलूरियम, आर्सेनिक, ये जो हमारा एक ग्रुप है ना येलो कलर में जिसे दिखाया गया है, यहाँ पर भी शो किया गया है मेटेलॉइड्स। तो ये हमारे मेटेलॉइड्स हैं, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ये जनरल कुछ बातें होती हैं जो पीरियडिक टेबल्स के बारे में और हमारे एलिमेंट्स के बारे में पता होनी चाहिए। इन्हीं से मिलकर हमारे कंपाउंड्स बनते हैं और उन्हीं कंपाउंड से हमारे सभी तरह के पदार्थ
प्रकृति में पाए जाते हैं। तो जो बेसिक तत्व है ना, बेसिक चीज़ है जिससे सभी मैटर बने होते हैं, सभी पदार्थ बने होते हैं, वो कौन होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, जिनको लेवोजियर ने परिभाषित किया था। ठीक, देन हम वापस आ जाते हैं हमारी टेक्स्ट बुक पर, और यहाँ पर देखिए मोर टू नो क्या लिखा गया है। और अधिक जानकारी आपको लेनी है तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉन एट प्रजेंट आर मोर देन 100। और आज की तारीख में जितने एलिमेंट्स हमें पता है वह 100 से ज़्यादा हैं, और टोटल 118 के लगभग हैं। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड। जो हमारे 92 एलिमेंट्स हैं, 118 जो हमने पीरियडिक टेबल में देखे हैं, उनमें से केवल 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचर में अपने मूल रूप में पाए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा के एलिमेंट हैं उन्हें हम मैन मेड एलिमेंट्स या आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वे दूसरे एलिमेंट्स को रिएक्शन कराकर या उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कम ज़्यादा करके लैब में बनाए गए हैं। ठीक है, और वे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं, इसलिए हम उनको नेचुरली ऑक्यूरिंग एलिमेंट्स में नहीं कहते। मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड। हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से ज़्यादातर कैसे हैं? सॉलिड फॉर्म में हैं, ठोस अवस्था में हैं। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट। केवल 11 तत्व गैसियस अवस्था में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। हालांकि गैसों को भी हम लिक्विड में बदल सकते हैं और सॉलिड में भी बदल सकते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले एलिमेंट कितने हैं? सिर्फ 11 एलिमेंट हैं। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी एंड ब्रोमीन। हमारे 2 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड अवस्था में होते हैं, और वे कौन है? मरकरी जो कि हमारा मेटल है, और ब्रोमीन जो कि हमारा नॉन मेटल है। एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। तो कुछ हमारे एलिमेंट्स हैं गैलियम और सीजियम जो कि मेटल्स हैं। ठीक है, सीजियम हमारे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स में आता है एस ब्लॉक में, और गैलियम हमारे पी ब्लॉक में आता है, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स इनको कहते हैं हम। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है ना, और ये रूम टेम्परेचर से अबव है ना, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस जो हम नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर मानते हैं उससे ज़्यादा होने पर ये बदल जाते हैं लिक्विड में। ठीक है, ये वैसे ठोस में होते हैं लेकिन रूम टेम्परेचर से अबव थोड़ा सा ऊपर होते ही ये लिक्विड में बदल जाते हैं। तो इस तरह से हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ को देखा। अब एलिमेंट्स के मिलने से कंपाउंड बनते हैं, इनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और आपने ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अच्छे से मिल जाए। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।